यहाँ बात करते हैं योग आयुर्वेद स्वास्थ्य के बारे में, किस प्रकार से अपने आहार विहार को ठीक रखकर संतुलित रखकर रोग मुक्त रह जाए, सुखमय जीवन जिया जाए। मैं डॉक्टर मनमोहन लखेड़ा आज बात करूंगा भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा किस प्रकार से कोविड के बारे में, कोविड के बचाव के लिए उपाय किया जा सकता है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इम्यूनिटी बढ़ाने के नियम। दोस्तों, हमारे घरों में प्राचीन काल से जो खान पान हमारी सभ्यता संस्कृति परंपराओं में समाई हुई थी, जो आयुर्वेदिक जीवन शैली हम प्राचीन काल से जी रहे थे, आज वैज्ञानिकों एवं सभी विशेषज्ञों ने साबित कर दिया है कि वहाँ सभी प्राचीन परंपराएं सभ्यता संस्कृति बिल्कुल ही बहुत वैज्ञानिक थी, और शायद दोस्तों इसीलिए ये आज तक जीवित भी है, और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों से लेकर पूरा समाज प्राचीन काल से केवल आहार विहार को सही संतुलित कर स्वस्थ आरोग्य जीवन जीते थे, जो कि इस समय कोरोना नामक वैश्विक महामारी से बचने के लिए भी भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और भारत के प्रधानमंत्री तक ने कहा है कि आप इसके बचाव के उपायों के साथ आयुर्वेदिक जीवन शैली खान पान को अवश्य अनिवार्य रूप से अपने जीवन में अपनाइए। दोस्तों, यूं तो आयुर्वेदिक शास्त्रों में हजारों विधियां, हजारों जड़ी बूटी, अनेक प्रकार के रस रसायनों से यहां पवित्र ग्रंथ भरे पड़े हैं, जिसमें बताए गए नियमों को अपनाकर हम किसी भी बीमारी से अपने को बचा सकते हैं। और इस समय यहां कोरोना वायरस नामक बीमारी जिस प्रकार से विश्व के देशों में अपना विकराल रूप दिखा चुकी है, आज के विकसित मेडिकल साइंस को फेल कर चुकी है। फिलहाल इसका एकमात्र अस्थाई समाधान आयुर्वेदिक जीवन शैली ही है, बचाव करना ही एकमात्र अस्थाई दिखाई दे रहा है। इसी को मद्देनजर रखकर आयुष मंत्रालय ने निम्न बिंदुओं को अपनी जीवन शैली एवं खान पान में सम्मिलित कर हम अपने शरीर की जीवनी शक्ति को बहुत बढ़ाकर इस बीमारी से लड़ सकते हैं। यहाँ आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए बिंदु निम्न है। नंबर एक, दिन भर समय समय पर गर्म पानी पीते रहे, पानी को हल्का गर्म करके पिए। नंबर दो, रोजाना कम से कम 30 मिनट तक योग प्राणायाम सूर्य नमस्कार आदि कीजिए। नंबर तीन, अपने आहार में हल्दी जीरा धनिया और लहसुन जैसे मसालों आदि का इस्तेमाल कीजिए। नंबर चार, एक चम्मच या कम से कम 10 ग्राम च्यवनप्राश का रोज़ सेवन करें। डायबिटीज़ वाले शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। नंबर पाँच, दिन भर में 2 या 3 बार हर्बल चाय या काढ़ा पिए, जिसमें तुलसी दालचीनी काली मिर्च सूखी अदरक मुनक्का आदि मिलाकर अच्छी तरह से धीमी आंच में उबालें। अगर मीठा लेना हो तो स्वादानुसार गुड़ डाल सकते हैं, नहीं तो वैसा भी पी सकते हैं या नींबू की चाय पी सकते हैं। नंबर 6, दिन में कम से कम 1 या 2 बार हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, ले सकते हैं। 150 ml कम से कम लेना चाहिए। नंबर 7, नेजल एप्लीकेशन, तिल का तेल या नारियल का तेल या शुद्ध देसी घी रोज सुबह एवं शाम को नाक में दोनों छिद्रों में लगाइए। नंबर 8, ऑयल पुलिंग थेरेपी, यहाँ 1 चम्मच तिल का तेल या नारियल का तेल मुँह में ले, इसे पीना नहीं है, इसे 2-3 मिनट मुँह में घुमाते हुए थूक दे, उसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला करे। दिन में 1 या 2 बार यह किया जा सकता है। नंबर 9, गले की खराश या सूखा कफ होने पर पुदीने की पत्तियों और अजवाइन को पानी में गर्म करके इसकी भाप ले सकते हैं। नंबर 10, गुड़ या शहद के साथ लौंग का पाउडर मिलाकर इसे दिन में 2 से 3 बार खाए। सूखा कफ या गले में खराश ज़्यादा दिनों तक हो तो
डॉक्टर वैद्य को अवश्य दिखाए। तो दोस्तों, इन नियमों को अपनाकर आप अपनी बॉडी की जीवनी शक्ति को बहुत बढ़ा सकते हैं और किसी भी रोग या इस समय कोरोना नामक बीमारी से स्वतः बचाव कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में। देखते रहे लखेड़ा आयुर्वेद को। नमस्कार।